stitchingmall.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इस तरह का डोरी पाइपिंग फ्रंट ओपन गला कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम फोल्ड करके कपड़े को तह करके फोल्ड करके गले की चौड़ाई 3 इंच बड़ों के लिए और 2.5 इंच यदि कोई छोटा साइज है या बच्चे हैं तो 2.5 इंच आप गले की चौड़ाई लेंगे। फोल्डेड वाली तरफ से हम गले की नाप लगाना शुरू करेंगे। मैंने 6.5 इंच गले की लंबाई ली है, तो ये 6.5 इंच गले की लंबाई लेने के बाद नीचे जो आर्म होल का निशान दिख रहा है आपका वो 7.5 इंच पर है और जिसकी ड्रेस मैं बना रही हूँ उसकी चेस्ट है 34 इंच। तो हम फोल्ड वाली तरफ से इस तरीके से निशान लगाएंगे कि ये आपको एक बॉक्स की तरीके से दिखेगा। तो नीचे भी हमने जैसे ऊपर गले की चौड़ाई 3 इंच ली थी, यहाँ से भी 3 इंच का निशान लगाया और इसको इस निशान को ऊपर तक मिला लिया। इस निशान को मिलाने के बाद आप जैसा भी शेप देना चाहें इसको हम उसका शेप देंगे, लेकिन उससे पहले 1/2 इंच हमने अपना निशान दोबारा एक और निशान लगाया यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर करके। अब ये करीबन 6 इंच हो गया है ऊपर से नीचे तक हमारा और हम अब इसको साइड से शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसको खुला चौड़ा भी शेप दे सकते हैं या फिर थोड़ा वी शेप करके भी इसको शेप करके फिर एक कीप के तरीके से नीचे तक, नीचे जो 7.5 तक का निशान था ना वहां तक थोड़ा सा गहराई में निशान हमने मिला लिया और इसको हमने शेप दे दी इस तरीके से। इस तरीके के गले में आप पूरा नीचे तक ओपन भी रख सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं, या जैसे मैंने करीबन 2-3 इंच लंबा रखा है क्योंकि बीच में ना एम्ब्रॉयडरी का फूल है, उस फूल को मैं काटना नहीं चाहती। तो आप गले की लंबाई जितनी चाहिए आप चेक कर लें और उसके बाद ही आप इसको काट लें। एक बार आपको पूरा पक्का हो जाए कि आपको गला कितना लेना है तो 7-7.5 इंच से ज्यादा मत लीजिए क्योंकि फिर वो ज्यादा ही हो जाता है यदि आपको क्लेविज नहीं दिखानी है तो। इसमें मैंने कट दिया है, बीच में एक फूल है देखिए, इसको मैं खराब नहीं करना चाहती इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। अब हम पीछे वाला हिस्सा काटेंगे, बैक पार्ट काटेंगे। यहाँ पर भी एक फूल है यहाँ पर, लेकिन ये गला के साथ नहीं कटेगा क्योंकि हम पीछे का गला मैं छोटा काट रही हूँ, लेकिन कुछ लोग लंबा गला गहरा गला पसंद करते हैं, तो यदि आप गहरा पसंद करते हैं तो आप चौड़ाई तो उतनी ही लेंगे जितनी आपने पहले ली थी, यानी 3 इंच पहले ली थी हमने तो 3 इंच ही यहाँ लेंगे। और लंबाई में मैं 2 इंच ले रही हूँ, 1 इंच या 2 इंच यदि बच्चों के लिए या छोटे साइज के लिए बना रहे हैं, लेकिन यदि आपको गहरा गला पसंद है तो आप 6 इंच या 7 इंच जितना आपको पसंद है उस तरीके से ले सकते हैं और इसको भी आप शेप करके इस तरीके से मिला लेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप डोरी पाइपिंग कैसे बनाएं। ये कॉर्ड का पैकेट रोल बना हुआ आता है, डोरी का मोटी भी आती है इससे, पतली भी आती है और इस तरीके के आपके प्रेशर फुट आते हैं जिसमें एक ही तरफ का पांव होता है या दोनों तरफ के, या जिस भी तरफ का पांव आप चाहें उस तरफ का खरीद सकते हैं। तो आप इसको स्क्रू को खोल करके अपना पहले वाला प्रेशर फुट जो डबल वाला है उसको निकाल दीजिए और जो आपका सिंगल वाला है उसको स्क्रू खोलने के बाद लगा दीजिए और स्क्रू को फिर टाइट करके बंद कर दीजिए। ये बहुत आसान काम है, लेकिन मशीन यदि आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली है तो प्लग से निकाल दीजिए, अपने फुट पेडल से पांव हटा लीजिए ताकि आपका हाथ ना आ जाए। और फिर हम ये हमारी बायस पट्टी है, उरेब पट्टी है जो हमने 1.5 इंच काटी है, इसके अंदर ये डोरी रखते हुए, डोरी का आप एक सिरा चाहे तो गांठ लगा सकते हैं नहीं वरना उसको करीबन 1/2 इंच बाहर निकाल दीजिए ताकि वो खींच के अंदर ना चली जाए और फिर आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े उसको बाहर निकालने की। और फिर इसके किनारे किनारे जैसे आपकी डोरी पाइपिंग है इसके किनारे किनारे आप सिलाई लगाते जाइए
डोरी को कोने में किनारे पर कर दीजिए, अपने हाथ से आप उसको फील कर सकते हैं उंगलियों से। और ये जो हमने पट्टी ऊपर मोड़ी है, इसका आप ध्यान दीजिए कि ये करीबन 1 सेंटीमीटर दूर है नीचे वाली पट्टी से। इस तरीके से जो प्रोफेशनल टेलर्स होते हैं वो बनाते हैं पट्टी, क्योंकि ये इस तरीके से सफाई से वो जब आप मोड़ने लगते हैं उस पट्टी को अंदर की तरफ, तो आपके गले के अंदर या जहाँ भी आपने बाजू में जहाँ पर भी आप ये डोरी पाइपिंग लगाते हैं, तो बहुत सफाई से वो अंदर का भी बहुत साफ अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से हमने इसको किनारे किनारे की सिलाई हम लगा लेंगे। यदि डोरी छोटी हो, पट्टी छोटी हो, तो आप एक के साथ एक और जोड़ सकते हैं। हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब ये जो फालतू कपड़ा जो आपको दिख रहा है, पहले तो आप डोरी आधे इंच और छोड़ करके हटा दीजिए फालतू की, और फिर ये जो फालतू कपड़ा आपको दिख रहा है इसको एक तरफ मोड़ के, या हमने छोटा कपड़ा छोड़ा था उसी की तरफ मोड़ते हुए, थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए हम इसके ऊपर ये लंबी सिलाई या कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो एक तो है साइड जहाँ पे आपकी डोरी का वो गोल गोल दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो आपका फिनिश है लेकिन वो मोड़ा हुआ हिस्सा है आपकी पाइपिंग का। तो इसको भी हम नीचे तक पूरी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गई है। अब हम इसको गले पर लगाएंगे। ये हमारा गला हमने काटा था, और ये आगे की साइड का कपड़े की सीधी तरफ हम इस पाइपिंग को रखेंगे। डोरी बाहर की तरफ है, आपको धागे से ही अंदाजा लग जाएगा धागा किस तरफ है। तो इसकी डोरी बाहर की तरफ है, और इसकी जितनी बड़ी चौड़ी हमारी डोरी है या पाइपिंग है, उतना ही आप गले के तरफ रखते हुए, ये अभी भी सिंगल वाला हमने दांत ये लगाया हुआ है अपना प्रेशर पुट, और सावधानी से आप या तो कच्चा कर लीजिए, वरना ऐसे ही आप इसको हल्का सा खींचते हुए, नीचे वाली कपड़ा जो है, ड्रेस हमारी जो है उसको नहीं खींचना, सिर्फ ये उरेब पट्टी है, उरेब में हमने बनाई है पाइपें, सिर्फ इसी को हम हल्का सा खींचेंगे। खींचने का कारण ये है कि जो कर्व होता है, जो गोलाइयाँ होती है, गोलाइयों पर यदि हम उरेब पट्टी को खींच करके हल्का सा रखते हैं, मैंने हल्का सा बोला है, आप बहुत ज़्यादा मत खींचना, ओके, फिर बाद में आप मुझे ब्लेम करोगे। तो आप इसको यदि हल्का सा खींचते हो तो फिर ये पीछे सफाई से घूम जाती है और अच्छी फिनिशिंग आती है। तो हम गोलाइयों पर इसको मोड़ते हुए नीचे तक, आगे हमने जो कट दिया है वहां तक सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखिए नीचे का कपड़ा इकसार आए, एक जैसा आए, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा टेढ़ा मेढ़ा आएगा तो फिर आपकी गले की डोरी में सफाई नहीं आएगी, अच्छा नहीं दिखेगा। ब्रेसलेट फुट को आप उठाएंगे जब, तो ध्यान रखिए कि नोक आपकी सिलाई मशीन के वो जो छेद होता है उसके अंदर हो, उससे क्या होगा वो धागा इधर उधर नहीं हिलेगा आपका, आपको पूरा पता रहेगा कि कहाँ से आपने दोबारा से आप उसको घुमा करके प्रेसर फुट नीचे रख के फिर अपनी सिलाई दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो हमने इस तरफ भी जैसे दूसरी तरफ सिलाई लगाई थी गले की, इस तरफ भी हम वैसे ही सिलाई लगा लेंगे और अपने गले की फिनिशिंग कर देंगे। तो ये हमारी सिलाई आखिरी तक हमको लगानी है। इस तरीके के गला जो होता है, आप कई तरीके के डिजाइन बना सकते हैं, आप चाहें तो दो या तीन तरीके की भी पाइपिंग चाहें तो जो ऊपर की साइड पाइपिंग रहेगी उसके अंदर आप चौड़ी पट्टी लेंगे, जैसे ये 1.5 इंच की थी तो वो 2.5 इंच की या 2 इंच की लेंगे। देखिए पलटने के बाद सीधी तरफ से ये प्रेस कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो प्रेस करने के बाद ये पाइपिंग इस तरीके से दिखेगी। अब हम क्या करेंगे, यदि हमें ये आगे का हिस्सा कटा हुआ कट जो है हमारा खुला नहीं रखना है, तो मेरे पास ये पट्टी है, मैंने सैलवेज वाली तरफ से नहीं काटी, वो किनारे वाली तरफ से नहीं काटी,
सिंपल पट्टी है, तो इसके नीचे वैसे कायदा तो ये होता है कि इसके नीचे इंटरफेसिंग या पेपर पेस्टिंग लगा करके और तब इसको इस तरीके से साइड से इंटरलॉक कर दिया जाए या फिर सिलाई लगा दी जाए और उसके बाद कट करके नीचे वो जो आपका खुला वाला आगे वाला हिस्सा था उसके नीचे लगाया जाए। दूसरा तरीका ये है कि इस तरीके से आपने बिना पेपर पेस्टिंग के इसको साइड से सिल लिया यदि आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है और फिर इसको पलट लिया जैसे मैंने आपको दिखाया। देखिए कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, जिसको जो पसंद आए उसको वही काम करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि यदि मैंने एक तरीके से किया है लेकिन आपको कोई और तरीका पसंद है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे खाने की सबकी अलग पसंद होती है ऐसे कपड़े भी फैशन की भी सबकी अलग अपनी पसंद होती है, जैसे आपको पसंद है आप वैसे ही बनाइए। तो इसको हम ये पट्टी जो हमारी थी करीबन 1.5 इंच की थी चौड़ी और लंबी उतनी है जितनी हमारी उससे आधा इंच ज्यादा इनफैक्ट जितना हमारा ये कट लगा हुआ है, तो इसके नीचे रखते हुए हम सिल देंगे। लेकिन हमारी जो कोना है वहां से थोड़ी सी झोल पड़ रहा है तो हम इसको बिल्कुल मामूली सा एक आध कट लगा देंगे जिससे कि ये किनारे से झोलना पड़े, लेकिन सिलाई के ऊपर पाइपिंग के ऊपर कट मत लगाइए वरना सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। अब हम दो तरीके मैं आपको बता देती हूँ, एक तो ये कि आप इसके ऊपर पिन लगाइए इस तरीके से और ये सिंपल सिलाई लगा के इसकी गले की फिनिशिंग कर दीजिए, ठीक है, मतलब ऊपर एक पक्की सिलाई लगा के काम तमाम। दूसरा तरीका ये है कि आप यदि लूप या बटन लगाना चाहते हैं इसके अंदर तो आप लूप या बटन भी लगा सकते हैं। उसके लिए आप कंट्रास्ट में या सेम कलर का लूप ले सकते हैं, ठीक है, और इसके बीच में लगा सकते हैं। मेरे पास ये दो लूप हैं तो मेरे बटन मैंने चेक कर लिया कि इसके अंदर से बीच में से बटन मेरे पास हो रहे हैं, कपड़े के मैंने बटन लगवाए थे बनवाए थे, तो उसको चेक करने के बाद निशान लगाने के बाद ये जो हमारी पट्टी है उसके बीच में रखते हुए उसको सैंडविच कर दिया हमने और फिर हमने इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई डबल मेहनत बचाने के लिए अच्छा तो यही होगा कि हम ऊपर से ही शुरुआत करें और नीचे तक आते जाएं। तो सिंगल हमारा प्रेशर कुक अभी भी लगा हुआ है, हमने उसको हटाया नहीं है क्योंकि अभी हम पाइपिंग के किनारे किनारे सारी सिलाई लगाएंगे। धागा अभी क्योंकि ये कई रंग है इस ड्रेस में तो जो रंग आपको पसंद हो आप वो रंग चला दीजिए। तो गले के डोरी के किनारे किनारे हमने इसको सिलाई कर दी, जो हमारा लूप है उसके ऊपर हम एक दो बार और रिवर्स स्टिच करके एक दो बार और सिलाई लगाएंगे ताकि ये पक्का हो जाए निकल ना जाए। और इसको सीधा करते हुए यदि आप पहली बार कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि कच्चा कर लें क्योंकि मशीन की सिलाई को बार बार उधेड़ने से कपड़े में छेद भी पड़ जाते हैं और कपड़ा यदि पतला है तो खराब भी हो सकता है खींच करके, और फिर आलस तो एक चीज है ही जिसके लिए लोग नहीं करना चाहते, अपनी ड्रेसेस नहीं बनाना चाहते, तो उस काम से आपको मुक्ति मिल जाएगी यदि आप थोड़ा सा पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे कि आप इसको कच्चे से बिठा करके करने में ज्यादा आसानी है या सीधा आपके पास कॉन्फिडेंस है कि आप सीधा पक्का करके भी इसको ठीक से बिठा सकते हैं। यदि एक काम खराब हो जाता है तो उसको उस ड्रेस को फेंकिए मत, उसको उधेड़िए और दोबारा कीजिए, क्योंकि यदि आपने उसको फेंक दिया कि नहीं मैं दोबारा दूसरी ड्रेस पर ट्राई करना है मुझे, तो उस केस में आपको पहले वाली जो आपकी गलती थी आप उसको सुधार नहीं सकते। सुधार करके आप उसी से सीख सकते हैं उसी ड्रेस पे, बजाय इसके कि आप नई गलती को नए सिरे से करें। तो आप यदि गलत कुछ होता है तो आप उसी को उधेड़ के दोबारा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और उसी चीज को दोबारा ठीक कीजिए ताकि वो गलती और उसका रेक्टिफिकेशन उसको ठीक करने का तरीका आपके दिमाग में पक्का बैठ जाए। तो चलिए हमने इसको गोल गोल घुमा करके गले को आखिरी तक किनारे किनारे सिलाई लगा के इसको गले को पक्का कर लिया, ठीक। अब हमारा गला हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल तरीके से बटन कैसे लगाती हूँ मैं। देखिए जनरली लोग एक
सिंगल धागा डालते हैं और मैं दो धागे डालती हूँ और फिर नीचे से गांठ लगा के अब इसमें चार धागे हो गए, ठीक है, क्योंकि डबल होकर के पलट दिया तो चार हो गए। तो अब हम दूसरी तरफ का जो पल्ला है हमारे गले का, वहाँ पर हमने अपनी लूप को बिठाया, निशान लगाया और इस निशान के ऊपर हम बटन लगाएंगे, क्योंकि निशान सही लगेगा तभी आपका वो बटन सही जगह पर बैठेगा। अब नीचे से सुई घुसाइए, बटन को एक होल में डालिए सुई को और दूसरे से निकाल लीजिए और इसको सेट करके सुई को कपड़े के नीचे ले जाइए और या फिर नीचे से लाते हुए ऊपर करके फिर से एक बार फिर होल में कीजिए। अब ये धागा चार तह वाला है इसलिए दो बार में ही ये बटन पक्के तौर पर लग जाएगा, आप चाहें तो एक आध बार और लगा सकते हैं बिल्कुल ही पक्का करना है तो, लेकिन दो बार में भी ये अच्छा मजबूत हो जाता है। कपड़ा धागा आप आर्मी का या अल्फा का ले सकते हैं, उसके धागे मजबूत होते हैं। धागा कच्चा जांचने के लिए आप कोई भी धागा लें उसको थोड़ा सा तोड़ करके देखें, यदि उसको टूट आराम से जाता है तो उसको धागे को मत लें, धागा मजबूत होना चाहिए। इसी तरीके से हमने दोनों बटन लगा लिए, लूप में लगाने के बाद ये इस तरीके से हो जाएंगे। तो आप बटन खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, चाहें तो इसको परमानेंटली पक्का कर लें। अब हम ट्रेसर फुट को वापस चेंज कर देंगे सिंगल से, फिर हमने डबल में डाल दिया, डबल लगा दिया, मशीन का स्क्रू पक्का कर दिया। अब पीछे वाला गला, इसके ऊपर चाहे तो आप, यदि आपने गहरा गला बनाया है डोरी पाइपिंग लगा करके जैसे मैंने आगे वाला गला बताया है कुछ कुछ उसी तरीके से, लेकिन पीछे कट नहीं दिया हुआ है, तो गोलाई में सीधा सिंपल डोरी पाइपिंग लग के पलट करके तुरपाई हो जाएगी, आगे वाले गले में भी तुरपाई होगी, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखें। तो इसको बायस टेप यानी उरेब पट्टी लगा करके उल्टी वाली तरफ पलट दिया, फिर कंधे पर सिलाई लगा ली, कंधे के ऊपर हम सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे और जो फालतू कपड़ा है, फालतू रेब पट्टी है हमारी, क्योंकि अगली वाली और पिछली वाली आपको दोनों दिख रही है ना, इनको हम फालतू वाली को हटा देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए ये अगला गला है और ये रेब पट्टी आपको डोरी पाइपिंग वाली उल्टी तरफ से दिख रही है, मोड़ी हुई थी हमने, मोड़ के सिलाई लगाई थी, तो देखिए ये साफ सुथरी दिख रही है, इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे बाद में। अब हम ये जो फालतू कपड़ा है इसको आधा इंच छोड़ते हुए काट लिया हमने फालतू, और इसको मोड़ते हुए हम गले के पिछली तरफ ले जाते हुए कि आगे से गला हमारा, नेकलाइन हमारी साफ, इस तरीके से साफ सुंदर गला बन जाए। तो एक तरीका ये भी है रेडीमेड वाला लुक पाने के लिए कि गले का ये जो मोड़ है हमने आधा इंच मोड़ा था, ठीक है, तो हम इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसी के ऊपर हमने पक्की सिलाई लगा दी इस वाले गले के ऊपर भी, और किनारे से हमने रिवर्स स्टिच करके डबल सिलाई लगा के पक्का कर दिया ताकि ये धागा निकले नहीं, गले से वो सिलाई उधड़ती हुई पूरी ना लगे। दूसरे वाले शोल्डर जॉइंट को भी हमने ऐसे ही मोड़ा और इसको पक्का कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इस ड्रेस की में जो है मैंने कलियां बनाई है, पॉकेट्स लगाई है आगे जो फैशन आजकल चला हुआ है, और पूरी कंप्लीट ड्रेस बनाई है। ये सूट का कपड़ा था कुर्ते और सलवार का, जिसमें मैंने लाइनिंग भी बना के बनाई है। तो आप सब्सक्राइब रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और मेरी आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ कि कैसे इस ड्रेस को बनाया है। देखते रहिए, गुड बाय, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।